अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जहान पोशीदा न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान रऊफ खालिद और आप देख रहे हैं जहान पोशीदा न्यूज़। आज के जो हमारे मेहमान हैं बहुत ही खास मेहमान हैं जिनका ताल्लुक लोकल रैप म्यूजिक से है। उन्होंने अपने सफर का आगाज गुजरात के एक छोटे से गांव से किया लेकिन आज उनका शुमार पाकिस्तान के टॉप रैप आर्टिस्ट में होता है। हाल ही में उनका सॉन्ग तेरी ज़ात टिकटॉक से लेकर पाकिस्तान में हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मकबूल हुआ। जी तो हमारे साथ मौजूद हैं चौधरी अली राइजर। आइए तमाम सवाल के जवाब इनसे जानते हैं एक म्यूजिक ब्रेक के बाद। फकीर लोग कूरते अमीर पैसे पीछे वेख लोग वेचते जमीर दीवार उत्ते टंगी तेनू कहंदी तस्वीर जो वेचते जमीर सब लोग ने हकीर मुकद्दरां दी खेड जे मैं चीना दिन दो तुझी लेंगा दिन चार बस इस तो बाद हर बंदा वेला चार क्योंकि विच कबर देना पैसे कम आना जाना मैं भी तू भी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सबसे पहले मुझे ये बताएं कि एक के बाद एक सुपर हिट सॉन्ग क्या चाहते हो? फेम। फेम। फेम के अलावा? रिस्पेक्ट। रिस्पेक्ट। रिस्पेक्ट के अलावा? दोनों चीज़ें काफ़ी हैं। दोनों चीज़ें काफ़ी हैं। अच्छा आपको इस चीज़ से कोई सरोकार नहीं कि आपकी अर्निंग भी हो? नहीं यार, अर्निंग मैं इस फील्ड से अर्निंग नहीं करना चाहता। मतलब आप किस तरह अर्निंग करना चाह रहे हैं? मैं बहुत अच्छा बिजनेसमैन हूँ, मैं सफिशिएंट है मेरी इनकम वहाँ से। ठीक हो गया। अच्छा मैं ये चीज़ बताएं कि जब आपका सॉन्ग तेरी ज़ात रिलीज़ हुआ तो आपकी टीम बशमूल आप बड़ी गर्म जोशी के साथ उसकी एडवर्टीजमेंट की गई लेकिन उसी के बाद जब आपका सॉन्ग कब आओगे घर आया तो चंद दिन बाद आपने एक पोस्ट डाली जिसमें मायूस कन वाइब्स आ रही थी, तो आपको कौन से मसाइल दरपेश हैं? मसाइल नहीं, एक्चुअली मैं ये कहूँगा कि आजकल की जो यूथ है या जो भी ऑडियंस है वो कमर्शियल सॉन्ग्स ज़्यादा इजीली सुनना चाहती हैं, उनको ज़्यादा अच्छा लगता है, तो ये थोड़ा सा मुझे इरिटेशन हुई थी, नथिंग एल्स। ठीक है, तो आपको क्या लगता है कि एक सोशल सॉन्ग को बनाने का मकसद क्या होता है? क्या आप सोशल इश्यूज़ को रेज करें, अगर आपकी नहीं सुनी जा रही कोई आम आदमी है या कोई भी इशू है हमारे चल रहा उसको एक आर्टिस्ट बहुत ईजिली रेज कर सकता है अगर वो करना चाहे तो। अगर हम तेरी ज़ात और कब आओगे घर का कंपैरिजन करें तो आप क्या कहेंगे? फ्लक्चुएशन। पहले सॉन्ग और दूसरे में बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन। मतलब आपको नहीं लगता कि आप इससे डिसअपॉइंटेड हुए हैं कि आपके उसमें व्यूज़ नहीं आ रहे? नहीं, डिसअपॉइंटेड नहीं मैं हुआ ये इस लिहाज से कि मुझे व्यूज़ नहीं आ रहे, डिसअपॉइंटेड इसलिए हूँ जो इश्यूज़ हमारी टीम रेज कर रही है उसको लोग उतना प्यार नहीं दे रहे। अच्छा मैंने एक कोट पढ़ा तो उसमें ये चीज़ थी कि हर चीज़ व्यूज़ के लिए नहीं होती, कुछ चीज़ें व्यूज़ को तब्दील करने के लिए होती हैं। अच्छा आज आप मौजूद हैं तो काइंडली आप बताएं कि जो सोशल जो रैप होता है या फिर कमर्शियल रैप होता है, क्योंकि ऑडियंस को इसके बारे में काफ़ी कंफ्यूजन होगी, तो काइंडली इसको डिफाइन करें कि सोशल रैप में और एक कमर्शियल रैप में क्या फ़र्क होता है? मेरे ख्याल से किसी भी आर्टिस्ट को, ठीक है वो उनकी अपनी मर्जी है, उनकी अपनी लाइफ है, वो जो करना चाहें इंडिपेंडेंटली करें, मैं उनको कोई लेसन वगैरह या कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दूंगा, लेकिन जो मेरा ज़मीर है या मेरी टीम है इवन वो मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है कि आप पॉजिटिव इश्यूज़ के ऊपर काम करें, तो इसलिए मैं तो करता रहूँगा और व्यूज़ मैटर नहीं करते फॉर मी। चूँकि आपने फर्स्ट ऑफ ऑल बताया कि मैं फेम के लिए काम कर रहा हूँ, ठीक है मेरा फेम एक एम है, अगर आप ये कहते हैं कि आपका फेम एम है तो फिर आप यही भी कह रहे हैं साथ में कि व्यूज़ मेरे लिए मैटर नहीं करते, ये कैसे मुमकिन है? एम ये नहीं होता कि आपके एक सॉन्ग के ऊपर व्यूज़ आ गए मिलियन, दो मिलियन, तीन मिलियन तो आपको फेम मिल गया, नो। अगर आपके कंजक्टिवली व्यूज़ आ रहे हैं आप उसको, आप उस चीज़ को छोड़ नहीं रहे जो आपकी पॉजिटिविटी, आप उसको करे जा रहे हो करे जा रहे हो तो फेम तो ऑटोमेटिकली मिल जाएगा, और किसी एक के ऊपर अगर आपके व्यूज़ नहीं आए तो आप इसे डिसअपॉइंटेड नहीं हो सकते यार नहीं अब आई हैव टू लीव दिस, नो ऐसा नहीं है। जब भी कोई सॉन्ग आता है तो उस पर उसके ऊपर मदाह जो होते हैं वो सैकड़ों की तादाद में कमेंट्स वगैरह करते हैं, तो आज आप जहान पोशीदा के प्लेटफॉर्म से बताएं कि जो तेरी ज़ात सॉन्ग आपने रिलीज़ किया तो उसके बारे में आपके क्या फीडबैक और कमेंट है? फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ जहान पोशीदा की टीम को, उन्होंने इन्वाइट किया मुझे और पॉजिटिव इश्यूज़ को रेज कर रहे हैं, ये सपोर्ट कर रहे हैं हमारी टीम को, मुझे पॉजिटिव म्यूज़िक को इवन, तो बहुत अच्छा लगा। ये नहीं कि वो सॉन्ग हमारा था तो इसलिए थोड़ा अच्छा लगा, अगर कोई भी आर्टिस्ट ऐसा पॉजिटिव म्यूज़िक निकालता है तो बिलीव मी मैं ये ऑन द रिकॉर्ड बात कर रहा हूँ कि मेरी टीम और मैं उसको शेयर करेंगे, और स्पेशली अगर कोई अंडरग्राउंड आर्टिस्ट है तो हम उसको प्रमोट करेंगे, अगर कोई पॉजिटिव मैसेज लेके आ रहा है तो हम उसके साथ हैं। लेकिन इसके बावजूद जो तेरी ज़ात सॉन्ग के ऊपर आपका क्या फीडबैक है? फीडबैक मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि यार पॉजिटिविटी प्रमोट हो रही है जस्ट। ठीक है, बीएस के जो शोहदा हैं आपने उसको एक सॉन्ग ट्रिब्यूट किया कब आओगे घर, तो आपकी ये किस चीज़ से इंस्पायर हुए या फिर ऐसी क्या स्टोरी थी आपके जेहन में जो आपने डिफ्रेंशिएट करे हम इसे, अगर इसको हम देखें कब आओगे घर तो इसमें लैंग्वेज का भी डिफरेंस है, पहले आपका सॉन्ग पंजाबी में ये उर्दू में। ऐसे उर्दू में इसलिए रखा गया क्या, क्योंकि वो जो हुआ था अटैक वो हुआ था पिशावर में,
क्योंकि वो बच्चे पाकिस्तान के थे, वो किसी एक स्पेसिफिक एरिया से बिलोंग नहीं करते थे। तो हमने सोचा इसको थोड़ा सा ना नेशनल लेवल पे करते हैं, चूंकि हमारी नेशनल लैंग्वेज उर्दू है तो हम उसको उस जुबान में करते हैं ताकि। अच्छा, आप ये भी देखते कि टीआरपी पे 4 से 5 साल बाद आपने एक अपना सॉन्ग रिलीज किया है। एक्चुअली मैं सुबह नाश्ता कर रहा था, ये लास्ट 16 दिसंबर की बात है, तो मेरे सामने से ना मुझे वजाहत ने एक पोस्ट सेंड की है जो एक पेंटिंग है, और उसके ऊपर वो सारा जो एक पोस्टर के ऊपर सारी स्टोरी बयान की गई है। तो मैं अंदर से लिटरली मैं अंदर से रो रहा था, क्योंकि हालांकि वो हमारे नहीं थे कुछ भी, लेकिन उनकी फैमिली थी यार, तो वो हमारे भाई थे, हमारी बहनें थी, हमारे नेशन के बच्चे थे। तो फिर उधर ही मैंने सारा रैप लिखा, मैंने वजाहत को फॉरवर्ड किया और वजाहत ने अपनी लाइंस विद इन नो टाइम मुझे सेंड कर दी। तो चूँकि तब तो हमारे पास टाइम नहीं था, तो डैट्स वाई हमने ये सोचा कि हम इंशाल्लाह नेक्स्ट में इसको लाजमी रिलीज़ करेंगे एक अच्छे तरीके के साथ, तो हमने ये कर दिया। क्या आपको लगता नहीं जो आपका सॉन्ग मुंडा गुजराती या फिर तेरी जात, ये चीज़ मैटर की है कि पंजाबी या फिर उर्दू? नहीं नहीं यार, ऐसा कोई, आप इजीली जिस लैंग्वेज में अपना मैसेज कन्वे कर सकते हो तो मैं तो उसी में करूँगा, मुझे कोई इशू नहीं है इसमें। ठीक है। अच्छा, आपने पहले मुंडा गुजराती सॉन्ग किया जो कि एक फुली पार्टी सॉन्ग था, ठीक है, उसमें आइटम टाइप सॉन्ग था, लेकिन बाद में आप शिफ्ट हो गए सूफीज्म पे, सूफीज्म से डायरेक्ट आपने एक सॉन्ग ट्रिब्यूट किया जो एपीएस के शोधा हैं, तो ये कैसे आप नए खेल खेल रहे हैं अपनी ऑडियंस के साथ, तो क्या चाहते हैं आप? भाई फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं ये चाहूँगा कि आई लव पॉजिटिव म्यूजिक और मैं पॉजिटिव म्यूजिक करता रहूँगा। आप देख रहे हैं इंशाल्लाह मेरी टीम मुझे सपोर्ट कर रही है, मैं करता रहूँगा। लेकिन वो जो आपने कहा कि हमारा था कमर्शियल सॉन्ग मुंडा गुजराती, यार लड़की दिखाना जरूरी है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, तो अगर मैं लड़की दिखा रहा हूँ शुरू में, उसके व्यूज़ आए हैं 40,000, उसके बाद मेरे पास ऑडियंस थोड़ी सी एंगेज हो गई है, उसके बाद मैं डाल रहा हूँ कंटेंट सूफी म्यूज़िक, तो कितने व्यूज़ मिले मुझे? अच्छा, आपके कहने का मकसद है जो आपने जो सॉन्ग अपलोड किया बेसिकली आपने ऑडियंस को ग्रैब किया? बिल्कुल ऐसे ही 100%। मतलब आप लड़की दिखा के ऑडियंस लेके आए, फिर अपने मकसद की तरफ रामादा डाइवर्ट किया मैंने, बिल्कुल ऐसे। तो नेक्स्ट क्या आपका प्लान है? नेक्स्ट हमारे प्लान्स हैं, कुछ कमर्शियल सॉन्ग भी हैं हमारे, और उसके अलावा हमारा एक पॉजिटिव म्यूजिक और वीडियो लेके आ रहे हैं हम, तो मेरी टीम, और बहुत अच्छा वो पॉजिटिव म्यूजिक होगा। आप जहाँ पे आप मौजूद हैं तो आप अपनी ऑडियंस को पैगाम दे सकते हैं थ्रू जहाने पोशीदा न्यूज़? जहाने पोशीदा न्यूज़ के फोरम से मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगा यार, आपके सराउंडिंग्स में अगर कोई भी पॉजिटिव एक्टिविटी कर रहा है, कोई पॉजिटिव काम कर रहा है, तो आप उसको लाजमी सपोर्ट कीजिए। कहीं ये ना हो कि यार वो अपने अपनी तरफ से कोई पॉजिटिव अगर कोई फीडबैक मिल रहा है उसे, तो वो ज़्यादा मोटिवेट होगा, बजाय इसके कि हम उसको यार इग्नोर करें, यार ये क्या चीज़ लेके आ रहा है, ये क्या चीज़ लेके आ रहा है। तो मैं सबसे कहूँगा कि पॉजिटिविटी फैलाइए, उसके ऊपर फीडबैक ज़्यादा से ज़्यादा दीजिए, ताकि हमारी सोसाइटी कुछ ग्रो कर पाए और उसके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स जो हैं वो सामने लेके आए अपने ऑडियंस के सामने। अच्छा, आप नेक्स्ट कोई पार्टी एंथम या फिर कमर्शियल म्यूजिक नहीं करना चाहते? जरूर करूँगा, उस टाइप के लड़की दिखा के करेंगे फिर? हाँ जरूर करूँगा यार, जो मेरे फैंस हैं जो हमें प्यार करते हैं, आपने देख लिया कब आओगे घर? हालांकि मैं कह रहा हूँ कि मुझे व्यूज मैटर ही नहीं करते, कितने लेबल्स वाले हैं यार, वो मुझे खुद टेक्स्ट कर रहे हैं आफ्टर तेरी ज़ात सॉन्ग कि आप अपना सॉन्ग हमें दें, लेकिन उसकी रिक्वायरमेंट वो रख रहे हैं, उसके अंदर हम इतनी लड़कियां यूज़ करेंगे, उनको ये कपड़े पहनाएंगे, उनकी यानी उनकी डिमांड्स बहुत ज़्यादा हैं, तो हम आपको पे भी करेंगे, ऑडियो वीडियो के जो भी एक्सपेंडिचर हैं वो इन्वेस्ट कर रहे हैं, लेबल करेगा और उसके रिटर्न पे मुझे इनकम भी आ रही है, तो हाउ इट्स पॉसिबल, कब आओगे घर, कितने व्यूज़? ठीक है, आप खुद देख सकते हैं, बाकी ऑडियंस ज़्यादा समझदार है, तो मैं इंशाल्लाह करूँगा, सब कुछ करूँगा। नेक्स्ट आप लड़की दिखाएंगे, एक न्यू पार्टी सॉन्ग होगा, फिर उससे आवाम इंजॉय करेगी, फिर उसके बाद फिर सूफीज़्म आएगा इंशाल्लाह। ठीक है जी। तो नाज़रीन, ये था हमारे साथ चौधरी अली राइजर, जिन्होंने अपने सफर का आगाज गुजरात से किया था, लेकिन आज उनका शुमार पाकिस्तान के टॉप रैप आर्टिस्ट में होता है। आपने सुना होगा, इफ यू कैन ड्रीम इट यू कैन डू इट। इसी के साथ अपने मेजबान रऊफ फारूक को दे इजाजत, अल्लाह हाफिज।